दोस्तों आज की कहानी है ननन रानी। आपको हम पति पत्नी के बीच बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया तो सोता हुआ राहुल झुंझला गया, इस वक्त कौन आया होगा। भाई के आने में तो अभी समय है। एक तो सुधा मुग्धा के मायके जाने के बाद से राहुल पहले ही बहुत परेशान था। दो दिन से कैसे घर को संभाल रहा बस वो ही जानता है। घर नहीं जंग का अखाड़ा बना हुआ है उस पर ये बिन बुलाए मेहमान। जब देखो सिर उठाया सले आते हैं। जरा थोड़ी देर को कमर सीधी करने गया तो ये मेहमान पीछा नहीं छोड़ते। सही में एक पति के लिए पत्नी के बिना जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अपनी ही उलझन में उलझा रहा दरवाजे पर देखने चल दिया। उसे बहुत कौतूहल था कि दरवाजे पर कौन होगा। मुग्धा की तो सारों पड़ोसनों को भी पता है कि मुग्धा मायके गई है। अरे तुम दरवाजा खोलते ही राहुल की सारी नींद उड़न सू गई। अब यही दरवाजे पर सामान पकड़े खड़ी रहूंगी कि साइड भी दोगे। राहुल एकदम साइड हो गया। अंदर आते ही सवालों की जड़ी लगा दी। क्या हुआ मुग्धा तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। राहुल आरस्य से बोला क्यों अब घर आने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मुग्धा झुंझला कर बोली अरे नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तुम तो 15 दिन के लिए मायके गई थी फिर इतनी जल्दी कैसे मुझे फोन कर देती मैं लेने के लिए स्टेशन आ जाता। इतनी धूप में तुम ऑटो से आओगी रहो आई होगी। राहुल ने थोड़ा सा नरम होकर बोला राहुल मैं ट्रेन से नहीं टैक्सी से आई हूँ। बाहर टैक्सी वाला खड़ा है उसे पैसे दे दो। एक तो इतनी देर में दरवाजा खोला उस पर इतने सवाल तुम टैक्सी वालों को पैसे दे कर आओ। मैं साई बनाती हूँ क्या टैक्सी इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। वैसे ही इस समय जेब का बैंड बजा पड़ा है कहकर राहुल टैक्सी वाले के पैसे देने चला गया। टैक्सी से आने की जरूरत पड़ी। मैं भी समझती हूँ कि टैक्सी में बहुत खर्चा होता है लेकिन मैं वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती थी। माँ के जाने के बाद मायका बदल गया। जो भाई भाभी मुझे अपनी आंखों का तारा बनाए रखते थे आज इतनी छोटी बात पर मुझसे लड़ बैठे और मुझे ऐसा बोल दिया कि तुम्हें हमारे परिवार के मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने। मेरी बेटी और उनके बेटे की लड़ाई हुई तो भाभी ने मेरी बेटी को डांट दिया। मैंने तो उस बात को हल्के में लिया था लेकिन भैया ने भाभी को डांट दिया। बच्ची 60 दिन को आई है तो उसे कुछ मत कहो। मैंने भैया से कहा कि कोई बात नहीं भैया भाभी का हक है उसे डांटने का। भैया ने गुस्से में भैया ने मुझे बोल दिया तू हम दोनों के बीच मत आ कहकर भैया तो बाहर चले गए। लेकिन ये सुनकर भाभी को पता नहीं क्या हुआ। लगी सिलाने ननन रानी यहाँ आती हो और भोली बनकर हम दोनों के बीच लड़ाई कराती हो। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसी समय अपना सामान बांध लिया। मैंने टैक्सी बुलाई तो भाभी ने एक बार भी रोका नहीं। कितना अपमान महसूस हुआ उस समय। मुझे भैया तो घर पर थे नहीं। भाभी का व्यवहार देखकर भैया का भी इंतजार करने की इच्छा खत्म हो गई। मायके की बातें राहुल को बता भी नहीं सकती। आखिर भैया भाभी के मान सम्मान की बातें आज नहीं तो कल जब राहुल को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। माँ होती तो वह सब सही कर देती। सच में जिंदगी में
हर कदम एक नई जंग है जिसमें कितनी बार हमें अपनों से ही लड़ना पड़ता है। अरे साहिब पककर काली हो गई है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अचानक राहुल ने आकर कहा तो मुग्धा जैसे होश में आई। तुम साई बनाने को रहने दो, अभी सफर से आई हो, थक गई होगी, सलकर कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं साई बनाता हूँ तुम्हारे लिए। राहुल ने मुग्धा को हाथ पकड़कर अंदर कमरे में दिया। फिर 5 साल की सीनू को देखा तो वो अभी तक सो रही थी, उसने उसे भी कमरे में सुला दिया। अगले दिन सिर दर्द की वजह से मुग्धा सुबह जल्दी नहीं उठी, वैसे भी स्कूल की तो छुट्टी ही है तो क्या करना, जल्दी उठकर सोच सोच कर वैसे सिर दर्द के मारे फटा जा रहा राहुल ने उसे दवाई दी और फिर हो गया। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी सुबह? हड़बड़ाते हुए मुग्धा उठी, घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। राहुल की भी आंख लग गई थी। मुग्धा ने दरवाजा खोला तो सामने भैया भाभी खड़े थे। उन्हें देखते ही मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। तूने हमें इतना पराया कर दिया कि छोटी सी बात पर घर छोड़कर यहाँ आ गई, क्या तेरे ऊपर मेरा इतना भी हक नहीं रहा कि मैं तुझे कुछ कह सकूं? मुग्धा ने पनियाली आंखों से भाभी की तरफ देखा। नंदन रानी मुझे भी माफ कर दो, गुस्से में मैंने ना जाने क्या बोल दिया, बाद में मुझे होश आया तो तब तक आप वहाँ से जा चुकी थी। मैंने फोन करके इन्हें बुलाया, इन्होंने कहा भी फोन करने से कोई फायदा नहीं, कल सुबह हम मुग्धा के पास चलकर ही उससे माफी मांगेंगे। अपने भाई भाभी को माफ कर दो दीदी। भाभी की बातें सुनकर मुग्धा रोते हुए उनके गले लग गई। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैं भी बिना सोचे समझे एकदम सामान बांध कर आ गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुग्धा की हिचकियां नहीं रुक रही थी। अरे भाई ये भरत मिलाप दरवाजे पर ही करती रहोगी या हमारे साले साहब को अंदर भी आने दोगी? पीछे से राहुल की आवाज सुनकर मुग्धा अपनी भाई भाभी को अंदर लेकर आई। लगता है अब तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो गया, राहुल हंसते हुए बोला। मुग्धा हंसते हुए साई बनाने सल्ली अब साई मत जला देना, राहुल पीछे से हंसा तो मुग्धा बोली अब मेरी साई कभी नहीं जलेगी क्योंकि अब मेरी आंखों से गलत फहमी का पर्दा हट गया है। भैया बोले मुग्धा हम सबकी जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशानियां हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर जिंदगी को जंग का मैदान मत बनाओ। दोनों ननन भाभी रसोई में साई नाश्ता बनाने